पहले किसी पहले आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं? कोई यहाँ पे है जो इंडियन ज्योग्राफी पहले पढ़ चुका हो? हाँ जी, किसी ने भी नहीं पढ़ा है? क्या हुआ, खड़े को बोल दो। स्कूल के अलावा यहाँ पे कोचिंग संस्थान में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने पढ़ रखा है, पीछे पढ़ रखा है? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी किसने किसने पढ़ रखा है? तुमने वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है? आजी आजी, ठीक है। अभी इसके पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास चल रहा था, ठीक है, जो कि क्रमबद्ध रूप से कंप्लीट कराया जा चुका है। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं आए थे आज, इंडियन ज्योग्राफी में देख रहे हैं कि बच्चे आ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर, आज से इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने कल सिलेबस लिखवाया था कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़ने हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो आज नोट डाउन कर लेंगे। देखिए इंडियन ज्योग्राफी में मुख्य रूप से यही 11-12 टॉपिक है, यही पढ़ना है, ठीक है। यहीं से प्रश्न बनाने होते हैं, किसी भी कंपटीशन में यहीं से प्रश्न आते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से। तो अगर क्रमबद्ध रूप से देखा जाए तो सबसे पहले सामान्य परिचय कि भारत क्या है, भारत का लोकेशन क्या है, यहाँ पे पर्वत पठार किस प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से भू आकृतिक प्रदेश, साथ ही भूगर्भिक संरचना, उसके बाद से अपवाह तंत्र, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, नदी झील तंत्र, उसके बाद से मिट्टियाँ, कृषि के प्रकार, कृषि सिंचाई, है ना, उसके बाद से परिवहन साधन, इसके बारे में हम लोग क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले सिलेबस समझेंगे, उसके बाद से आगे सामान्य परिचय आज से स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने नहीं राइट डाउन किया है इसको राइट डाउन कर लेंगे पहले कि कौन कौन से सिलेबस पढ़ने हैं। हाँ जी, तो कम से ज़्यादा तो कर सकते हो ना, तो जो नहीं लिखे थे वो उसको राइट डाउन कर लोगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नया कॉपी स्टार्ट किया होगा, नया कॉपी यूज कर रहे होंगे। सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय, उसके बाद से भू आकृतिक प्रदेश, देखिए सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग इतने मुख्य पॉइंट देखेंगे, ठीक है, कि इसकी आकार एवं अवस्थिति क्या है, इसमें कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, कितने अंचल हैं, कितने जोन हैं, साथ ही समुद्र तटीय राज्य कौन कौन से हैं, प्रादेशिक जल सीमा, भारत के पड़ोसी देश या कौन कौन सी रेखाएँ जो है अलग अलग देशों को अलग करती हैं, साथ ही विभाजक रेखा कौन सा है, प्रमुख जल संधि एवं विभाजित क्षेत्र एवं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत की आकार एवं स्थिति। देखिए किसी भी देश की अगर जैसे हम लोग इंट्रो देते हैं तो अपना लोकेशन बताते हैं कि हम लोग गोपालगंज से हैं, है ना, गोपालगंज कहाँ पे, बिहार में है, बिहार कहाँ पे है, भारत में, भारत कहाँ पे है, उसका एक अक्षांश विस्तार बताते हैं और देशांतरीय विस्तार बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किसी भी विश्व में कोई लोकेशन बताना हो तो उसका एक ही पता होता है, कौन सा, देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार, कि उसका अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है और देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है। भारत के अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है देखें, देखिए सबसे पहले जिन्होंने अक्षांश रेखा देशांतर रेखा नहीं समझा होगा वो पहले समझ लेंगे। पृथ्वी पर बीचों बीच जो सबसे पहले रेखा होती है उसे क्या कहते हैं हम, विषुवत रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। उसके बाद से 23.5 डिग्री पर जो नॉर्थ वाली रेखा है उसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, और जो 23.5 डिग्री जो दक्षिण में होता है उसे कौन सी रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त, इसको कौन सा बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त, इसको 0 डिग्री, इसको 23.5 डिग्री, इसको 66.5 डिग्री, ये सारे नॉर्थ में होंगे, ठीक है। ये कौन सा हुआ, साउथ में, ये भी साउथ में, ठीक है। अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत की स्थिति कहां पे है, भारत की स्थिति भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है जो कि इक्वेटर से क्या है, ऊपर है, ठीक है। तो भारत की स्थिति लगभग यहां पे है,
इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से भारत की कुछ स्थिति है, ठीक है। अगर यहां से देखा जाए, ये वाली जो रेखा है जो नॉर्थ से साउथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसे कौन सी रेखा बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है, देशांतर रेखा बोलते हैं। अगर आप लोगों को लोकेशन बताया जाए, इक्वेटर जो है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जो देशांतर रेखा है वो क्या है, ईस्ट और वेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर भारत की लोकेशन देखा जाए तो ये कौन सा लोकेशन हो गया? अगर इस प्रकार से देखा जाए, यहां पर अगर कोई देश है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। भारत कहां पे? यहां पे है ना, भारत यहां पे, ये बीचों बीच भारत की लोकेशन है। तो इस लोकेशन को क्या कहा जाएगा, इसको कौन सा लोकेशन बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि भारत की जो अवस्थिति है वो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। पूरे ग्लोब पर कहां पे पड़ता है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। इतना समझ में आया? किसी को दिशा में कंफ्यूजन है? ठीक है, तो सबसे पहले ये समझे कि भारत की स्थिति कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। अब इसमें भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, कहां से कहां तक है, फैला हुआ है, तो नीचे क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो कौन सी रेखाएं पड़ती हैं, अक्षांश रेखाएं पड़ती हैं जो इसके पैरेलल रहती हैं, जिसकी दिशा क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रहती है। तो सबसे पहले जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पे जो भारत की मुख्य भूमि है उसका अक्षांश विस्तार कहां से है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, और उत्तरी क्षेत्र में कहां पे है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब वहीं देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो फिर 68 डिग्री और 7 मिनट, और वेस्ट में देखा जाए तो ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट। इतना समझ में आया? ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो मुख्य भूमि का है या फिर पूरे भारत का है, क्योंकि भारत के क्षेत्र में ही क्या शामिल है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो अगर मुख्य मुख्य भूमि की बात किया जाए तो इसका अक्षांश लोकेशन कहाँ पे पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अगर पूरे भारत का लोकेशन पूछा जाए कि भारत पूरे भारत का अक्षांश विस्तार कहाँ से है, तो फिर क्या बताएंगे, 6 डिग्री और 4 मिनट। समझ में आया इतना? तो आप लोग पहले भारत का मैप बनाएंगे, भारत का मैप बन जाएगा ना, देखिए ये क्या है, भारत है, बनाने की कोशिश करो। ऐसा मैप बनाना कि देखे तो कोई ये ना कहते कि ये बांग्लादेश का मैप क्यों बना रखा है, ठीक है। भारत का मैप बनाना तो बड़ा इजी है, हो गया, टेंशन मतलब कॉपी चेक नहीं करूंगा, जैसा समझ में वैसा बनाओ, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए कि इतना कि हाँ भारत का ही मैप है, ठीक है। अब लोकेशन देखिए, सबसे पहले मुख्य भूमि पे नीचे है, इसका अक्षांश विस्तार कहां से कहां तक है, 8 डिग्री 4 मिनट, यहां पे लोकेट कीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे 8 डिग्री 4 मिनट है। ये कहां से गुजरती है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां पे है, कन्याकुमारी के केप कोमोरिन वाले क्षेत्र में, ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु जो जिसे इंदिरा कॉल भी कहते हैं, वहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, 37 डिग्री 6 मिनट। हुआ पहले अक्षांश लोकेशन हुआ,
यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट और उसके ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट। फिर यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट्स। वहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, 6 डिग्री 45 मिनट। दिख रहा है इधर अभी, ठीक है। पहले एक बार लोकेट कर लीजिए, फिर बारी बारी से नोट डाउन करके लिखिएगा। जल्दी करो, अगर ये मैप बना लिया है ना, ये मैप बना लिया है और ये लोकेशन अभी नहीं डाल रखा है तो उसको उतना देर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग काफी समय ले रहे हैं। पॉइंट बाय पॉइंट करके इसके नीचे से, मैप के नीचे से लिखना शुरू कीजिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। सामान्य परिचय लिख के, भारत का सामान्य परिचय। भारत को कई नामों से जाना जाता है, भारत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सबसे पहले तो भारत ही हो गया, भारत, जम्मू द्वीप, सुना है ना सॉन्ग, जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त, जम्मू द्वीप आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। सोने की चिड़िया भी बोला जाता है ना, वो भी मेंशन कर सकते हैं, सोने की चिड़िया, ठीक है। सबसे पहले तो यही होता है कि नामकरण है, कौन कितने नाम, कितने प्रकार के नाम है उसके, तो भारत के कई नाम है जिसमें जम्मू द्वीप आर्यावर्त हिंदुस्तान इंडिया आदि नाम है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट करके नेक्स्ट लिखिए, भारत की अवस्थिति मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की अवस्थिति मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। डैश देकर नीचे लिखिएगा, जिसका अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमिका मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से सैंतीस डिग्री सैंतीस डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। ठीक है, जैसे लिखा है वैसे ही लिखिएगा, इस तरह से याद करने में इजी होता है।
ये कहां से गुजरता है? कन्याकुमारी, ये कहां से गुजरता है? कन्याकुमारी से, ठीक है, केप कमोरिन। ये क्या है? ये मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमिका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। यहां पे देखिए मुख्य भूमिका लिखा गया है। ये कहां से गुजरता है? इंदिरा कॉल। कॉल का मतलब समझते हैं क्या होता है? देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके बीच में जो अर्धचंद्रकार शेप में जो क्षेत्र होता है इसी को क्या बोलते हैं? कॉल। ये क्या है? एक प्रकार का दर्रे का समान ही होता है, ठीक है। इसका जो आकृति होता है वो अर्धचंद्र प्रकार का होता है, इसलिए इसे कॉल कहा जाता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा से विस्तार समझ में आया, ठीक है। अगर इसी में पूछा जाए पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो जो शुरुआत हो रहा है कहां से हो रहा है? 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और ये कहां से गुजरता है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट से गुजरता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है यह विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर, ठीक है। जैसे जैसे लिखा गया ना वहां पे मेंशन करते जाइए। हो गया? हेलो, बात मत करो। अब इसका देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री, ये क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट क्या है? ये ईस्ट है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और ये कहां से गुजरती है? गौरमोथा, गौरमोथा से गुजरती है। और ये कहां पे है? गुजरात, ठीक है। कहां से कहां तक? संतानवेन डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। ये कहां से गुजरता है? किविथू, ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। दिख रहा है इधर? अब इसको याद कैसे करेंगे पहले लिख लीजिए। गौरमोथा, मोता, कई लोग अलग अलग नाम से, अब जैसे किसी बुक में लिखता है गौरमाथा, ऐसे मुख्य नाम है गौरमोथा, ठीक है। ठीक है, अब रिकॉल करेंगे। सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमिका कहां से कहां तक है? सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि जो इक्वेटर होता है वहीं से लोकेट किया जाता है, उसी को आधार मानकर लोकेट किया जाता है। तो कभी भी अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए भारत के दृष्टिकोण से तो क्या बताएंगे? सबसे पहले दक्षिणी विस्तार उसके कहां पे है? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। उसके बाद से कहां से कहां तक? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद से देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। अब ये मैं पूछूं कि ये जो कर्क रेखा है मुख्य भूमिका जो अक्षांशीय विस्तार जो है जिसका लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट, वो कहां से गुजरता है?
केप कमोरिन से, ठीक है। उसका दक्षिणतम बिंदु, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप कमोरिन, ये क्या है, मुख्य भूमिका है। अगर पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट, जहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। और वहीं उत्तरतम बिंदु पूछा जाए तो कौन सा है, इंदिरा कॉल, वहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अब देशांतर पूछा जाए, देशांतर का सबसे पश्चिमी भाग जहां से गुजरता है उसका नाम क्या है, गौरमोथा, जो कि कहां पर लोकेटेड है, गुजरात में, वहां से कौन सी देशांतरीय रेखा गुजरता है, 68 डिग्री 7 मिनट। अब फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र अगर देखा जाए तो सबसे पूर्वी भाग से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसका कौन सा नाम है, 97 डिग्री 25 मिनट, वो कहां से गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश के किबिथू से, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर करके लिखिएगा, भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को और भी एक नाम से जाना जाता है, जिसे क्या नाम बोला जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, हाँ पार्सल पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, क्या लिखा आपने, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, नेक्स्ट भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, लिखते जाइए, नहीं दिख रहा, अरे मैं बोल रहा हूं वो तो लिख लो, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल एवं भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किबिथू, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किबिथू तथा भारत का पश्चिम बिंदु गौरमोथा है, गौरमोथा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जो 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है, जो 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसका पूर्व से पश्चिम क्रम डैश देखें, नीचे से लिखिएगा, पूर्व से पश्चिम क्रम डैश देखें, नीचे से लिखिएगा, पश्चिम से पूर्व की क्रम उसको चेंज कर लीजिए, पश्चिम से पूर्व की क्रम, पश्चिम से पूर्व की तरफ या पश्चिम से पूर्व की क्रम डैश देख लिखिएगा, गुजरात कमा राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल त्रिपुरा एवं मिजोरम है, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। देखिए, अब इसमें भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि सबसे ज्यादा कर्क रेखा का विस्तार किस प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है।
सबसे ज्यादा कर्क रेखा का विस्तार किस प्रदेश में देखने को मिलता है? ठीक है, लिख लीजिए लंबाई के आधार पर। लंबाई के आधार पर कर्क रेखा का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा विस्तार कर्क रेखा कहां पे है? एमपी में, ठीक है, लिखेगा एमपी। अवरोही क्रम मतलब समझते हो ना, घटते क्रम में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विस्तार किस पे है? एमपी, उसके बाद गुजरात। देखिए ऐसे ये बड़े का सिंबल होता है ना, सबसे बड़ा एमपी, उसके बाद से गुजरात, उसके बाद से वेस्ट बंगाल, एमपी, गुजरात, वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और सबसे कम त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा की लंबाई जो 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है, सबसे ज्यादा विस्तार कहां पे देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा एमपी में, सबसे ज्यादा एमपी में, और सबसे कम त्रिपुरा में। समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट लिखिएगा, कर्क रेखा के नजदीक कर्क रेखा के सबसे नजदीक, सबसे नजदीक झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। ये पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हैं ना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देखिए कर्क रेखा जहां से गुजरती है ना, कर्क रेखा से जहां से गुजरती है, जिस प्रदेश से होकर गुजरती है, तो तीन ऐसे राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में गुजरती, उत्तर में उपस्थित है, ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके। हाँ जी, यहां से बीचों बीच का मतलब ऐसा नहीं, यहां पे एकदम कर्क रेखा का नजदीक, कर्क रेखा का नजदीक कह लें या बीचों बीच कह लें, बीचों बीच नहीं गुजरती है, कर्क रेखा के थोड़े से नीचे गुजरती है यहां से, ठीक है। देखिएगा कर्क रेखा के, कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में तीन राजधानियां स्थित है, पहला जयपुर, जयपुर, दूसरा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मिजोरम की राजधानी आइजोल, आइजोल, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बाकी जो और जितने भी राज्य हैं जहां से गुजरती है, जैसे 8 राज्यों में ये बताया, ये कर्क रेखा के 8 राज्यों से जो गुजरती है, वो 8 राज्यों में तीन राजधानियां कहां पे है? कर्क रेखा के उत्तर में, अब बाकी कहां पे है? कर्क रेखा के दक्षिण में, जैसे भोपाल हो गया, गांधीनगर हो गया, रांची हो गया, ये सारे कहां पे है? कर्क रेखा के दक्षिण में। समझ में आया? इतना सेंटेंस समझ में आया? नेक्स्ट लिखिएगा, ये तो हुआ कर्क रेखा के बाद, अब लिखिएगा नेक्स्ट 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जैसे लिखा गया है ना ऊपर, देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऐसे ही पॉइंट देख लिखिएगा, या
भारत में, यह भारत में उत्तर प्रदेश के, यह भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। यह भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, कोष्टक में लिखिएगा। किसी किसी बुक में इलाहाबाद के नैनी भी लिखा जाता है, कोष्टक में लिख लीजिएगा। यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, नैनी नैनी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह कुल पांच राज्यों से होकर, यह कुल पांच राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर से दक्षिण का क्रम। जैसे देशांतर रेखा का लोकेशन कैसे है, दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो क्रमशः उत्तर से दक्षिण क्रमशः यूपी, देखिए ऊपर लिखा हुआ है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। अब लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से गुजरती है, देखिए लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम, लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम छत्तीसगढ़, देखिए कैसे इंडिकेशन बनाया गया है, छत्तीसगढ़, उसके बाद यूपी, आंध्र प्रदेश, एपी लिखा है इसे अरुणाचल प्रदेश नहीं समझेंगे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद से एमपी। इसमें देखा जाए तो सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में, और सबसे कम देशांतरीय विस्तार कहां पे है, एमपी में। समझ में आया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह भारत का, यह भारत का मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा है, यह भारत का मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब यहीं से क्या होता है, टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, यह भारत का मानक समय रेखा है, जहां से पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाता है, पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह ग्रीनविच कहां पे है, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यह ग्रीनविच से 5.5 घंटे, या ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ये सेंटेंस समझ में आया कि आगे है या पीछे है, ये समझ में आया। देखिए जिसे नहीं समझ में आया वे देखिए, ये क्या हो गया, पृथ्वी एक चक्कर पूरे कितने घंटे में लगाती है, एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है, 24 आवर्स में। ठीक है, 24 आवर में एक चक्कर लगाती है, यानी टोटल कितना, 360 डिग्री रोटेट करती है। ठीक है, तो एक घंटे में कितना डिग्री रोटेट करेगी, 360/24, इसे कितना बार में,
ठीक है, यानी देखा जाए तो एक घंटे में कितना डिग्री रोटेट करती है, 15 डिग्री, यानी 60 मिनट में, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 मिनट में कितना, 15 डिग्री। अगर एक डिग्री रोटेट करना हो तो कितना मिनट का समय लेगा, 4 मिनट का समय लेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि पृथ्वी किधर से किधर रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है, इसलिए सूर्य किधर उगते हुए दिखाई देता है, पूर्व क्षेत्र में। समझ में आया, जितना हम लोग ग्रीनविच से ईस्ट में जाएंगे तो इधर क्या होता है, समय में बढ़ोतरी होती है, और वहीं ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ जाएंगे तब क्या होगा, टाइम में क्या होगा, कमी होगा। अपना भारत का विस्तार कहां पे है, ग्रीनविच से किधर है, उत्तर की तरफ है, सॉरी उत्तर की कह रहे हैं, किधर की तरफ है, पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ है, इसका मतलब क्या है, अपने टाइम में क्या होगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। समझ में आया ये चीज, अब कितना बढ़ोतरी देखने को मिला है ये कहां से कैसे पता चलेगा, अभी मैंने बताया कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, 42.5 डिग्री। अभी तो मैंने बताया कि भारत से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसका नाम क्या है, 82.5 डिग्री, ठीक है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब इसके आधार पर हम लोग टाइम डिसाइड करेंगे कि आखिर ये 5.5 घंटा क्यों आगे है, तो आप लोग बना सकते हैं, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर, इसमें क्या करेंगे हम 4 से गुणा कर देंगे, बना सकते हैं ना आप लोग। ठीक है, उसके बाद टाइम निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, भारत का आकार, भारत का आकार, आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, आकार से आशय क्या है, आकृति, आकृति मतलब त्रिभुज है या फिर क्या है, चतुष्कोणीय है, तो भारत की जो आकृति है कैसे देखने को मिल रहा है, चतुष्कोणीय है। ठीक है, लिखिएगा, भारत की आकृति चतुष्फलकीय है, जिसके उत्तर में तिब्बत एवं चाइना है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है, तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। ये तो हो गया लोकेशन कि भारत की अवस्थिति कहां कहां पे है, उत्तर में क्या है, चाइना और तिब्बत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान और अरब सागर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देखिए यहाँ पे है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263, नहीं दिख रहा है क्या, पीछे दिख रहा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर, 3,214
14 किलोमीटर है। अब इसको इस प्रकार से कहा जा सकता है, यानी इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, पूर्व से पश्चिम कितना है 29-33। ये कहां से, किबिथू से, गौरमोथा तक, ठीक है। किबिथू कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश, और गौरमोथा कहां पे है, गुजरात में, ठीक है, समझ में आया। नोट में करके लिखिएगा, नोट में करके लिखिएगा, नहीं सुना इधर है, पीछे पीछे क्या हुआ, सॉरी नहीं लिख पाए, यहां पे लिखा हुआ है ना, यहां पे भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है 3214 किलोमीटर, जो कि इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक है। साथ ही पूर्व से पश्चिम का विस्तार कहां से 2933 किलोमीटर, किबिथू से लेकर गौरमोथा तक है। नोट में करके लिखिएगा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा एवं भारतीय मानक रेखा, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट वहीं पे नोट में ही, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी राज्य के बीच, पूर्वी एवं पश्चिमी राज्य के बीच 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब 2 घंटे का अंतर, अगर ये प्रूफ करना हो कि 2 घंटे का अंतर कैसे पाया जाता है, आप लोग बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कौन बताएगा, आप लोगों में कोई बताएगा, हाँ बताइए पीछे, 2 घंटे का अंतर कैसे, हाँ वाह क्या प्रूफ है ये कौन सा प्रूफ है, प्रूफ के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। ये तो मैंने बताया वही चीज जो मैंने पूर्वी लिखवाया पश्चिमी लिखवाया वो तो आपने बता दिया, उसका देशांतरीय विस्तार जो है ना, देशांतरीय विस्तार है, उन दोनों के बीच में लगभग कितना का गैपिंग है, लगभग 30 डिग्री का गैपिंग है, और हमने अभी बताया कि प्रति 15 डिग्री पे कितने घंटे का अंतर होता है, 1 घंटे का, क्या हुआ, प्रति 15 डिग्री पे क्या होता है, 1 घंटे का अंतर होता है। इसलिए क्या होता, देखिए यहां पे जैसे मैंने क्या बताया, जो पश्चिमी देशांतर का जो सीमा है वो उसका क्या है, क्या बताया था मैंने, 67 और 7 मिनट, और पूर्वी का क्या है, पूर्वी विस्तार क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों में कितना, लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि प्रति 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर होता है, ठीक है, 1 घंटे का अंतर होता है। अब टोटल 30 डिग्री है, तो इसमें कितना घंटे का अंतर हो गया, 2 घंटे का। अब समझ में आया कि अगर पूरब में जैसे अरुणाचल प्रदेश में सूर्य क्या होगा, पहले निकलेगा या पश्चिम में पहले निकलेगा, पूरब में पहले निकलेगा, अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे निकलेगा, तो फिर गुजरात में कितने बजे सूर्योदय होगा, 8 बजे। समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो इसलिए बीचों बीच मानक रेखा रखा गया, जिससे क्या हो, जितने भी ऑफिशियल टाइम हो वो सबके लिए बराबर हो सके। इसलिए बीचों बीच में मतलब इलाहाबाद के नैनी से या फिर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है जो रेखा, उसको मानक रेखा माना गया, जिसका क्या है, अच्छा देशांतरीय विस्तार 82 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री। समझ में आया ये यहां तक। अब रिकॉल करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार में आप लोग पेज पलटते हुए देखिएगा,
भारत का अक्षांश विस्तार कहां से कहां तक है? मुख्य भूमि का यहां से देखिए, देखिए भारत भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट से। अच्छा इसको याद कैसे करेंगे? देखिए 4 दुनी 8, ठीक है, और यहां पे 3 7 6, मतलब 3 दुना 6 और 7। यहां से देखिएगा 5 2 7, फिर 7 2 9, ऐसे करके आप लोग अपने लॉजिक से याद कर सकते हैं। फिर इधर देखिए 6 7 8, यहां पर भी देखिएगा 4 5 6, देखिए क्रमशः है, आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगेगा तो याद हो जाएगा। पॉइंट पे आते हैं, तो अक्षांश विस्तार कहां से है? मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरीय विस्तार कहां से है? 68 7 मिनट से लेकर 97 25 मिनट तक। अब पूरे भारत का अगर पूछा जाए तो अक्षांश विस्तार कहां से शुरू होता है? 6 डिग्री 45 मिनट से, ठीक है। भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की दिशा क्या होगी? राज्यों का क्रम क्या होगा? सबसे पहले गुजरात, उसके बाद से राजस्थान, उसके बाद से एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद आइजोल। तीन ऐसे भारत के तीन ऐसे राजधानी हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में गुजरती है। कौन कौन से? जयपुर, अगरतला और आइजोल। अब बाकी जो अन्य राजधानी है वो कहाँ है? कर्क रेखा के दक्षिण में है। सर्वाधिक विस्तार किसमें है? कर्क रेखा का मध्य प्रदेश। और सबसे कम विस्तार कहाँ पे है? त्रिपुरा में। इतना तक समझ में आया? फिर आते हैं 82.5 डिग्री मानक रेखा पे। 82.5 मानक रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 रेखाओं से। बोला करो ना, जितना बोलोगे उतना याद होगा। 82.5 डिग्री जो मानक रेखा है वो कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 से। उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या हुआ? सबसे पहले यूपी, उसके बाद से एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद से आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। पहले उड़ीसा फिर आंध्र प्रदेश। समझ में आया? सर्वाधिक विस्तार कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। और सबसे कम विस्तार कहां पे है? समझ में आया इतना तक? ठीक है। पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है? 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 यानी 2,933 किलोमीटर। समझ में आया? सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं, सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। सबसे मुख्य मुख्य भारत में मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? कन्याकुमारी, ठीक है। सबसे पूर्वी भाग को किस नाम से जानते हैं? किबिथु। वो कहां से गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश से। सबसे पश्चिमी भाग में कौन सा? गौरमथा। वो कहां पे है? गुजरात में। इतना तो समझ में आया। उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चाइना, नेपाल भी उत्तर में ही है, चाइना, तिब्बत, ये हो गया। अफगानिस्तान कहां पे है? उत्तर वेस्ट में है, ना उत्तर पश्चिम में है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। पूर्व में क्या है? म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान और अरब सागर। इतना समझ में आया? बाकी के टॉपिक अन्य क्लास में आप लोग रिकॉल करके आएंगे, ठीक है। इसके बाद से भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से जोन है, उसमें तटीय लंबाई कितना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी का पढ़ेंगे। हाँ जी, ये चीज चाहो तो फोटो आप लोग खींच सकते हैं, नहीं तो मैं भेज दूंगा। यही वाला ना? अच्छा, ये सारा मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। कौन सा? अरे मैं भेज दूंगा, जिसको जो आवश्यकता है वो अपने अनुसार देख लेगा, या चाहो तो अभी फोटो ले सकते हो। कुछ काम अपने से भी कर लो, ठीक है, मैं भेज दूंगा।